दोस्तों, अगर आप भी कोहली को भारत की शान और खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को 83 रन पर रोक देने के बाद भारत ने जीता मुकाबला तो खुशी से झूमे विराट कोहली। जडेजा, रोहित ने भारत का तिरंगा झंडा लेकर पूरे मैदान पर लगाए चक्कर, कहे भारत माता की जय के नारे। तो इस पर गुस्से में आईसीसी चीफ डेविड रिचर्डसन ने लगा दिया कोहली जडेजा पर इतने करोड़ का जुर्माना, वजह जानकर उड़ गए होश। तो दोस्तों, यहाँ पर डेविड रिचर्डसन का पूरा बयान तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, बने रहिएगा अंत तक, छोड़े बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले, सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार पूरा भारत देश कर रहा था, वो मैच आखिरकार खेला जा चुका है ईडन गार्डन्स कोलकाता के मैदान पर। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए वर्ल्ड कप के 37वें मुकाबले की। जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 326 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के आगे लक्ष्य रख दिया 327 रन का। हालांकि दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी में विराट कोहली का बल्ला इस मुश्किल मैदान पर भी जमकर चला, जिन्होंने शतक जड़ते हुए 101 रन बनाए। तो वही सुरेश अय्यर के बल्ले से 77, तो रोहित शर्मा ने 40 रन की पारी खेलकर यहाँ भारतीय टीम को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुँचाया। और दोस्तों, पहुँचाना भी जरूरी था क्योंकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में जिस तरह की रही है, उसके आगे तो अगर 400 का लक्ष्य रखा जाए वही अच्छा रहेगा। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि ये वही टीम है साउथ अफ्रीका जो 400 रन बनाती है, वो आज 83 रन बनाने के भी उसके लाले पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मार्को यानसन ने सबसे ज्यादा 14 रन की पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज 20 तो छोड़ो 15 रन तक भी पहुँच नहीं पाया, जैसा की आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और इन सभी को रोकने का काम किया रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 9 ओवर फेंकते हुए 33 रन भले दिए लेकिन 5 विकेट हासिल किए। तो वहीं जडेजा के अलावा कुलदीप यादव को 2 और शमी को भी 2 सफलताएं मिली, और जिसके चलते भारत ने यह मैच 243 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। और दोस्तों, इन्हें बड़ी मार्जिन से जीत अगर मिल जाए तो भारतीय खिलाड़ी तो खुशी से झूमते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए भारत के खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा समेत शमी, कुलदीप ने भारत का तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा और पूरे मैदान के चक्कर लगाए। हालांकि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भारतीय टीम जब भी इतने बड़े अंतर से मुकाबला जीतती है, जैसे कि 243 रन से भारत ने बड़ी जीत हासिल की, तो अपने फैंस को संबोधित करना तो टीम इंडिया का बनता है। और इसीलिए भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, जिन्होंने अपना शतक पूरा करने के बाद और महान सचिन तेंदुलकर की बराबरी करके वो ईडन गार्डन्स कोलकाता के मैदान पर भारत का तिरंगा झंडा लेकर चक्कर लगाते हुए नजर आए, और इस दौरान जडेजा ने भी 5 विकेट हासिल किए, तो उन्होंने भी भारत का तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा, जैसा कि आप सब यहां पर तस्वीरों में भी देखते हो। तो वहीं रोहित शर्मा भी दिखे, लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि ये तो भारत के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद आईसीसी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने सीधा भारतीय खिलाड़ियों पर जुर्माना ही लगा डाला। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यहाँ डेविड रिचर्डसन आईसीसी चीफ का बड़ा बयान निकल कर आता है, जिन्होंने कहा, हम किसी भी खिलाड़ी को मना नहीं करते, आप अगर मैच जीते हैं तो अपने देश का तिरंगा लेकर या फिर किसी भी देश का झंडा हो वो मैदान पर लहराया जाएगा, लेकिन आपने जो हरकत की है ये सही नहीं है। आप बीच मैदान पर भारत का तिरंगा लेकर तो घूमे, लेकिन आपने भारत माता की जय, जय श्री राम जैसे नारों का उपयोग किया, जिन पर आईसीसी ने उल्लंघन लगा रखा है। आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि किसी और समुदाय के लोगों को चोट पहुंचाते हो। और यहाँ पर कई मुस्लिम देशों के कहने पर हमने यह फैसला किया कि एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए भारत माता की जय और जय श्री राम अगर खिलाड़ी जिस दिन कहना बंद कर देंगे, ये जुर्माना लगना भी बंद हो जाएगा। हालांकि अभी यह जुर्माना ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ करोड़ रुपए का ही जुर्माना है, लेकिन भारत को आगे से ध्यान रखना चाहिए कि जय श्री राम, भारत माता की जय जैसे नारों का उपयोग ना करें, इससे दूसरे समुदाय के लोगों को आहत होती है और भारत वैसे भी अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए ही जाना जाता है। तो दोस्तों, यहां पर डेविड रिचर्डसन ने भारत का तिरंगा लहराने नहीं बल्कि नारे लगाने पर विराट कोहली और जडेजा के लिए करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोक दिया। तो दोस्तों, अब आप सभी क्या मानते हैं कि डेविड रिचर्डसन ने जो किया है फैसला लेकर, वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।